गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ICICI बैंक PO के बारे में, जिसका 47 बैच का टेस्ट लॉट बुकिंग का काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आया और काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था उस जॉब को, लेकिन उनको मेल भी नहीं आया। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, अभी जो है काफ़ी एरिया में टेस्ट लॉट बुकिंग फुल हो चुका है। वो इसलिए फुल हो चुका है क्योंकि लिमिटेड सीट रहती है। जैसे कि हर एक एरिया में मान लीजिए 30 से लेके 40 सीटें रहती है, ठीक है, 30 से लेके 40 सीटें रहती है। जिससे क्या होता है, अगर 30-40 स्टूडेंट उस एरिया से अप्लाई कर देते हैं तो आपका टेस्ट लॉट बुकिंग फुल हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात, काफ़ी लोगों ने इसको अप्लाई किया था लेकिन उनको किसी तरीके का मेल नहीं आया है। वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि यह शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। जितने भी उनके पास एप्लीकेशन जाते हैं उसमें से शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है काफ़ी स्टूडेंट को, जितनी ज़रूरत है, जितनी उस एरिया में सीटें रहती है, सिंपल सा उतने ही बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है और उन्हें मेल के द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है। जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया, 40 थे उसमें स्टूडेंट, मतलब 40 ही बच्चे उस टाइम स्लॉट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उसी टाइम स्लॉट में एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमने भी अप्लाई किया है लेकिन हमें क्यों मेल नहीं आया। तो ये जो है उनके ऊपर रहता है कि किसको आपको मेल आएगा और किसको नहीं आएगा, ये सब उनके हाथ में रहता है, ठीक है फ्रेंड्स, हमारे हाथ में नहीं है। और कल काफ़ी लोग बोल रहे थे कि अगर हमें मेल नहीं आया तो हमारा डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर किसी के पास मेल नहीं भी आया है तो उनके पास अगर कोई पुराना उनका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड होगा तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन काफ़ी लोगों को जो है दिक्कत आ रही थी, वो इसलिए आ रही थी क्योंकि उनके एरिया में उतनी ही सीटें थी और काफ़ी ऐसे एरिया है जो कि वहाँ इंक्लूड ही नहीं किए गए थे, ठीक है इस बार। तो इसी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई। जैसे कि मैंने बताया कि किसी को अगर नहीं आया है ईमेल तो वो भी डाउनलोड कर सकता है एडमिट कार्ड, तो काफ़ी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, बोल रहे थे उल्लू बना रहा है, ये बना रहा है, जो भी बना रहा है, फालतू के कमेंट करे जा रहे थे। लेकिन आपके सामने मैंने वीडियो में लाइव करके दिखाया, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाया, जो कि मुझे कोई मेल भी नहीं आया था और कोई SMS भी नहीं आया था, ठीक है फ्रेंड्स। मेरे पास जो है पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर था और पासवर्ड था, उसी को डाल के मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया, ठीक है, लाइव दिखाया, वहाँ पर सारा डाउनलोड करके दिखाया। तो आप समझ सकते हो कि शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है बच्चों को, उन्हीं को मेल भेजा जाता है, बाकी लोगों को नहीं भेजा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो पहले होता था इसलिए मैंने आपको वीडियो में बताया, उस तरीके से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इस बार क्या हुआ, सीटें कम होने की वजह से किसी को भी डाउनलोड करने का मौका नहीं मिला। जब ये मेल आया था 1 घंटे तक साइट जो है आपका बिजी बता रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। जब सभी को मेल आया था तो 1 घंटे तक साइट बिजी बता रहा था, उसी समय जो है सभी लोगों ने अप्लाई कर लिया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसलिए आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने अगर अप्लाई करके रखा है तो आप जो है नेक्स्ट बैच के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बैच जो है स्टार्ट होगा अभी नेक्स्ट मंथ से ही, मार्च से जो है आपका नेक्स्ट बैच जो है अगस्त बैच के लिए चालू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूँगा, तो उसको अप्लाई करके आप नेक्स्ट बैच का एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसके GDPI के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सारी चीज़ें जो है कुछ छोटी छोटी बातें हैं तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।